வணக்கம். आप सभी को पोंगल के पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं। इनिय पोंगल नल्ला अड़तुक्कल पोंगल के पवित्र दिन तमिलनाडु के हर घर से पोंगल धारा का प्रवाह होता है। मेरी कामना है उसी तरह आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि और संतोष की धारा का प्रवाह निरंतर होता रहे। कल ही देश ने लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया है। कुछ लोग आज मकर संक्रमण उत्तरायण मना रहे हैं, कुछ लोग शायद कल मनाएंगे। माघ बिहू भी बस आने ही वाला है। मैं इन सभी पर्वों की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, यहां मुझे मेरे कई परिचित चेहरे नजर आ रहे हैं। पिछले साल भी हम सब तमिल पुथांडु के अवसर पर यहां मिल चुके हैं। मैं मुरुगन जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा बनने का अवसर दिया। ये ऐसा है जैसे मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ कोई उत्सव मना रहा हूं। साथियों, संत तिरुवल्लुवर ने कहा है, तल्ला विळयुळुम तक्कारुम ताळिवल्ला चेवरुम सेवर्द नाडु, यानी अच्छी फसल पढ़े लिखे व्यक्ति और ईमानदार व्यापारी, ये तीनों मिलकर राष्ट्र निर्माण करते हैं। तिरुवल्लुवर जी ने पॉलिटिशियन का उल्लेख नहीं किया है। ये हम सबको संदेश है। पोंगल पर्व में ताजी फसल को भगवान के चरणों में समर्पित करने की परंपरा है। इस पूरी उत्सव परंपरा के केंद्र में हमारे अन्नदाता, हमारे किसान है। और वैसे भी भारत का हर त्योहार किसी न किसी रूप में गांव से, किसानी से, फसल से जुड़ा हुआ होता है। मुझे याद है पिछली बार हमने इस बारे में भी चर्चा की थी कि कैसे हमारे मिलेट्स या श्री अन्न तमिल संस्कृति से जुड़े हुए हैं। मुझे खुशी है कि सुपर फूड को लेकर देश में और दुनिया में एक नई जागृति आई है। हमारे बहुत सारे नौजवान मिलेट्स श्री अन्न को लेकर नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और ये स्टार्टअप आज बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। श्री अन्न के उत्पादन से
हमारे देश के 3 करोड़ से अधिक छोटे किसान जुड़े हुए हैं। हम श्री अन्न को प्रमोट करते हैं तो सीधे सीधे ये 3 करोड़ किसानों का भला होता है। साथियों, पोंगल के अवसर पर तमिल महिलाएं अपने घर के बाहर कोलम बनाती है। सबसे पहले वो आटे का इस्तेमाल करके जमीन पर कई डॉट्स बनाती है और एक बार जब सारे डॉट्स बन जाते हैं तो हर एक का एक अलग महत्व होता है। ये तस्वीर ही मन लुभाने वाली होती है, लेकिन कोलम का असली रूप तब और वैभवशाली हो जाता है जब ये सभी डॉट्स मिला दिए जाते हैं और बड़ी कलाकृति बनाकर इसमें रंग भरा जाता है। हमारा देश और उसकी विविधता भी कोलम के जैसी है। जब देश का कोना कोना एक दूसरे से भावात्मक रूप से जुड़ता है तो हमारी शक्ति एक अलग रूप दिखाती है। पोंगल का पर्व भी एक ऐसा ही पर्व है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की राष्ट्र भावना को दर्शाता है। बीते समय में काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम अत्यंत महत्वपूर्ण परंपरा शुरू हुई है और उसमें भी ये भाव प्रकट होता है, ये भावना दिखती है। इन सभी आयोजनों में बहुत बड़ी संख्या में हमारे तमिल भाई बहन उत्साह से हिस्सा लेते हैं। साथियों, एकता की यही भावना 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी पूंजी है। आपको याद होगा, लाल किले से मैंने जिस पंच प्राण का आह्वान किया है उसका प्रमुख तत्व देश की एकता को ऊर्जा देना है, देश की एकता को मजबूत करना है। पोंगल के इस पावन पर्व पर हमें देश की एकता को सशक्त करने का संकल्प दोहराना है। साथियों, आज यहां मुझे बताया गया बहुत से कलाकार और जाने माने कलाकार, गणमान्य कलाकार अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार है। आप सब भी इंतजार करते होंगे, मैं भी इंतजार करता हूं। ये सभी कलाकार राजधानी दिल्ली में तमिलनाडु को जीवंत बनाने वाले हैं। कुछ पल हमें तमिल जीने का मौका मिलेगा, ये भी एक सौभाग्य होता है। मेरे इन सभी कलाकारों भी अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। मैं फिर एक बार मुरुगन जी का धन्यवाद करता हूं। वणक्कम।